Hello everyone, welcome back to CIZ Plus. I am Harmanjeet. I'll be teaching you aptitude for PPSC. Punjab PSPCL, PSTCL, PPSC JEE live comprehensive batches हमारे start हो चुके हैं. जिन्होंने अभी तक वो batches visit नहीं किए हैं, go check out the website cizplus.com. We teach you 2 hours live. और इसके अलावा अगर आपका कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं. 4000 से प्लस आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस दिए जाते हैं. लाइव डाउट सेशंस भी आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड विजिट एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. स्टार्टिंग विद टुडेज़ लेक्चर, जो हमारा होने वाला है लेटर या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज के ऊपर. अब इसको सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस को, हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. टॉकिंग ऑफ फर्स्ट, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक अप्रोचेस. यानी नंबर सीरीज की तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड टू मेमोराइज द रैंक ऑफ द अल्फाबेट्स. व्हाट इज रैंक नाउ? इसी के पीछे तो सारी दुनिया पागल है. यस, अल्फाबेट्स का भी सेम सिनेरियो है. रैंक यानी कि अल्फाबेट्स आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू उसको असाइंड है, उसी को कहते हैं रैंक ऑफ एन अल्फाबेट. ए का रैंक इज 1, ई का रैंक इज 5, जे का रैंक इज 10, टी का रैंक इज 20, ओ का रैंक इज 15, जेड का रैंक इज 26, वाई का रैंक इज 25. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इन रैंक्स को बहुत ही ईजिली आप याद कर सकते हैं. बट फॉर अ टाइम बिंग इस लेक्चर में वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस वर्ड इजोटी, जो हमें मेमोराइज करने में हेल्प करता है 5 अल्फाबेट्स के रैंक को, विच इज ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20 and 25. यानी 5 यूनिट के डिफरेंसेस पे ये सारे अल्फाबेट्स प्लेस्ड हैं. इसको याद करने का क्या वर्ड है? ई जो टी. लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या रहती है न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बजाय? वी हैव द बेटर अप्रोच, विच इज अगर आप अल्फाबेट्स के आपस में ही रिलेशंस देखना स्टार्ट करें कि हर एक टर्म का फर्स्ट अल्फाबेट नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट अल्फाबेट्स के साथ क्या रिलेशन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. वी विल टॉक अबाउट दैट टू. पहला वे इज कि अगर आपके पास कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज गिवन है, या तो आप उसको नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ द रैंक. फिर उनमें आप रिलेशंस चेक करो कि कौन सा रिलेशन इनमें बन रहा है. जैसे सी के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव रैंक 3, ई के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव रैंक 5, देन जी के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव रैंक 7, आई के लिए वी हैव 9, के लिए वी हैव 11. या तो आप ऐसे लिखने के बाद देख सकते हैं कि -2, -2, -2 हर एक टर्म में, दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है. सो योर नेक्स्ट टर्म इज़ गोइंग टू बी 1. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास अल्फाबेट में रैंक देखा जाए तो ए का होता है. सो योर ऑप्शन इज सी, विच इज़ करेक्ट. लेकिन बेस्ट अप्रोच की हम बात कर रहे थे या बेटर अप्रोच की हम बात कर रहे थे, आपको इससे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? एक एक मिनट आपका एग्जाम में बहुत प्रेशियस होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना डिफिकल्ट लग रहा है, यानी कि रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर आपको दिया है, यू डोंट फाइंड कंफर्टेबल डीलिंग विद दैट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. सी एक अल्फाबेट छोड़ के लिखा है ई, ऐसे ही एक अल्फाबेट छोड़ के लिखा है जी, और आगे आई और के भी ऐसे एक एक अल्फाबेट्स छोड़ के आपके प्लेस किए गए हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज, अब आप देख सकते हो कि सी के पहले एक अल्फाबेट को छोड़ के व्हाट वी आर गेटिंग ए एज एन आंसर. सो ये आपकी दो अप्रोचेस हैं. जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है आप उसको यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एक स्मार्ट वर्क करने का आपको यहाँ पे मेथड विजिबल हो रहा है, विच इज हर एक ऑप्शन में फर्स्ट अल्फाबेट पता चल रहा है कि आई है. यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस में सेकंड अप्रोच यूज करेंगे. सेकंड अप्रोच यानी रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हर एक अल्फ़ाबेट का. फर्स्ट अप्रोच क्यों नहीं, यानी क्यों नहीं कन्वर्ट करना इसको नंबर सीरीज़ में? आपके पास यहाँ पे 3-3 नंबर सीरीज़ बनेंगी, उनको सॉल्व करने से बेटर रहेगा अगर आप सेकंड अप्रोच यूज़ करें. इसमें क्या करना होता है आपको, हर एक टर्म का पहला अल्फ़ाबेट चेक करो. पहले तो आप पहला अल्फ़ाबेट चेक करो हर एक टर्म का, और उसमें आपको देखना है कि क्या कोई रिलेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं. जो भी रिलेशन उसमें फॉर्म हो रहा है, वही जो आपकी लास्ट टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है, उसके फर्स्ट अल्फाबेट का रिलेशन होगा उसके प्रीवियस टर्म के फर्स्ट अल्फाबेट से. लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्क. अब क्या स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे? हर एक ऑप्शन में आई तो है ही, यानी नाउ यू डोंट नीड टू चेक कि फर्स्ट अल्फाबेट आपका कौन सा होने वाला है. आई तो है ही,
अगले पे जाके हम अपना वर्क करेंगे। सेकेंड अल्फ़ाबेट अब चेक करना है आपको हर एक टर्म का, ए ई आई ओ, नेक्स्ट क्या आने वाला है, ए ई आई ओ, ओ, वी आर गोइंग टू गेट यू, दीज आर नथिंग बट वोवल्स। सो अब आप देखिए कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो आप एलिमिनेट कर पा रहे हो जहाँ पे सेकेंड अल्फ़ाबेट या सेकेंड लेटर यू नहीं है। जी हाँ, बी और ऑप्शन डी आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि हमें क्या रिक्वायर्ड था, सेकेंड अल्फ़ाबेट होना चाहिए यू, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, ए और डब्ल्यू, डिस्कार्डेड। नेक्स्ट चेक करते हैं लास्ट, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, यानी इसको बैकवर्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है, तो आपका बैकवर्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या आपका आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे लास्ट अल्फ़ाबेट आएगा वी, सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे नाउ व्हाट वी हैव, कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। अगर आप पहले लेटर्स की बात करें, अगर आपको ये चेक करना है कि कमिंग अल्फ़ाबेट कौन सा होने वाला है, तो आप यहीं से प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में चेक करें, वी डोंट हैव एनीथिंग जो कि रेपिटेशन में है, तो इससे एक और आपको फ़ायदा होता है कि एक ही स्टेप में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेट रेपिटेशन में नहीं है, तो यानी सारे यूनिक है। एक अगर आपको पता चल गया कि क्या फर्स्ट अल्फ़ाबेट होने वाला है, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। देखते हैं कि कैसे। वही बात, अगर आपको बैकवर्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रॉब्लम रहती है, तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट वी आर हैविंग, सी डी ई को मिस करके वी आर गेटिंग एफ, जी एच को छोड़ के लिखा गया है आई, ऐसे ही नेक्स्ट दो अल्फ़ाबेट्स को मिस करके लिखा गया है एल। अब आपको क्या देखना है, सी के पहले कौन से दो अल्फ़ाबेट्स मिस करके वी आर गेटिंग आर रिक्वायर्ड आंसर। किसी के माइंड में ये डाउट ज़रूर आ सकता है कि अल्फ़ाबेट्स तो स्टार्ट ही ऐसे होने वाले हैं, सो सी से पहले बी मिस हो गया, ए मिस हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये कंसिडर करना सारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इन अ सर्कुलर मैनर, ए बी सी सो ऑन, एक्स वाई जेड, ये रहा आपका सर्कुलर मैनर में प्लेसमेंट इसका। चाहे आप क्लॉकवाइज लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार दूसरा वे भी देख लेते हैं, ए बी सी सो ऑन एक्स वाई जेड। आपको बस यही चेक करना है दोनों वेज में कि सी के पहले हम दो अल्फ़ाबेट्स अगर मिस कर दें, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, दैट इज़ योर जेड। सो यहाँ पे जेड आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होने वाला है आपकी लास्ट टर्म का। दिस इज़ हाउ यू हैव गॉट योर आंसर एज डी। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था हमें अप्रोच, और बहुत ही स्मार्टली एक ही गो में वी हैव गॉट आवर आंसर। इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फोर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर प्लेसमेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। कैसे? बी और एच के बीच में अगर आप देखें, सी डी ई एफ जी, यानी पांच अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। सिमिलरली एच और एन के बीच में अगर आप देखें, पांच अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। इन सारे ही अल्फ़ाबेट्स में पांच पांच अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी पांच अल्फ़ाबेट्स लीव करने के बाद जो आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच? आपको इंसर्ट करना है अल्फ़ाबेट्स को इन सब अल्फ़ाबेट्स के बीच में, लेकिन इस तरीके से कि उनका जो बाकी राइट हैंड साइड पे जो अल्फ़ाबेट है उससे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी अल्फ़ाबेट है उससे यूनिट्स सेम रहनी चाहिए, सेम इक्वल ही कांस्टेंट ही डिस्टेंस आना चाहिए। अब वो कैसे किया जा सकता है? अगर 1 2 3 4 5 ऐसे मैं डिनोट कर रही हूँ इन पाँच अल्फ़ाबेट्स को, 3 आ रहा है सेंटर में, यानी दो अल्फ़ाबेट्स उसके लेफ्ट और दो ही अल्फ़ाबेट उसके राइट में आ रहे हैं। सो दिस गिव्स यू वन हिंट कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ये देखिए, सी डी ई एफ जी छोड़ के वी आर गेटिंग एच, और हमें इंसर्ट करना है ऐसा अल्फ़ाबेट इन दोनों के बीच में, ताकि राइट उसके अल्फ़ाबेट के और लेफ्ट उसके अल्फ़ाबेट में सेम ही अल्फ़ाबेट्स रहे, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो हमने लीव किए हैं। सो आपको बहुत एविडेंटली क्लियर हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर ई। अब आपको ऑप्शन में और कहीं पे भी ई अवेलेबल है ही नहीं लास्ट ऑप्शन में, लास्ट टर्म में, सो यहीं से आपको आपका आंसर मिल रहा है, विच इज़ ऑप्शन ए। दिस इज़ व्हाट यू हैड टू डू।
इस क्वेश्चन में इनके बाकी के जो ब्लैंक्स हैं वो आप ऐसे ही प्रोसीड करके देख सकते हैं कि क्या उनके आंसर्स W Q K E आ रहे हैं या नहीं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में कोई दिक्कत है, यू कैन प्रोसीड कैसे, फॉरवर्ड की तरह, B blank H blank N blank T and blank Z। लेकिन जब आपको आंसर लिखना है तब यू डोंट हैव टू राइट इट इन द ओपोजिट मैनर, यानी कि आप ई के क्यू डब्ल्यू आंसर नहीं लिखेंगे, वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी ऑर्डर में आपका आंसर भी होना चाहिए। सो दिस वॉज हाउ वी हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, बी डी ई, यानी अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, व्हाट वी आर हैविंग इज जो अल्फ़ाबेट दिया है बी, एक सिंगल अल्फाबेट अल्फ़ाबेट है, उसके बाद सिंगल ही अल्फ़ाबेट मिस करने के बाद उसमें एक और एड ऑन, यानी दो अल्फ़ाबेट्स कंसेक्यूटिव जो हैं वो लिखे गए हैं। फिर कितने मिस किए गए हैं, एफ जी, जितने अल्फ़ाबेट्स थे उतने ही मिस करके एक और अल्फ़ाबेट साथ में लिखा गया है। सो अभी नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने ही अल्फ़ाबेट्स हम लीव करेंगे, के एल एम। लीव करने के बाद ब्लैंक में कितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जितने मिस किए थे उससे एक और ज़्यादा कंसेक्यूटिव, यानी एन ओ पी क्यू आपका रहने वाला है इसका आंसर, विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 जो कि है टाइप 2 का, व्हाट इज़ टाइप 2 नाउ, वी हैव डेल्ट विद न्यूमेरिक सीरीज, वी हैव डेल्ट विद अल्फाबेटिक सीरीज, नाउ व्हाट वी हैव मिक्सचर ऑफ बोथ विच इज़ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्लियर एंड एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे, दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी व्हाट, इन द फॉर्मेट ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक वैल्यूज भी अवेलेबल होंगी। इन क्वेश्चंस को जब आपको अप्रोच करना है, पहले आप ये ऑब्जर्व कीजिए क्या इसमें कुछ ऐसी वैल्यू है जिसको, यानी या तो आप अल्फ़ाबेट्स को पहले सॉल्व करके देख लो क्या उसमें से यूनिक आपको आंसर मिल रहा है, इफ़ येस यू डोंट इवन हैव टू सॉल्व फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड वाइस वर्सा। लेट्स सी, जिसने अब क्यूब्स वाला काम कर लिया होगा, रिमेंबर कर लिए होंगे, मेमोराइज कर लिए होंगे क्यूब्स नंबर्स के, उसको पता है दिस इज़ क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5। सो नेक्स्ट योर आंसर शुड कंटेन सम ऑप्शन जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 का क्यूब विच इज़ 216। क्या इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, जी हाँ, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया बिकॉज यू डोंट हैव 216 इन द न्यूमेरिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब एक और स्मार्ट वर्क यहाँ पे काम आएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में फर्स्ट अल्फ़ाबेट एक्स कॉमन है। हो सकता है अगर आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट को सॉल्व कर लें, यानी इन टर्म्स में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सॉल्व करके रिलेशन फाइंड आउट कर भी लें, फिर भी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, वो होगा ऑप्शन ए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों ही एलिमिनेट हो जाए, डायरेक्ट अप्रोच में आपको आंसर मिल जाए। लेकिन इसकी कोई अभी फ़िलहाल के लिए वी डोंट हैव एनी गारंटी। बट इफ़ यू लुक एट वर्ड सेकेंड टर्म्स, आप देखो ऑप्शन ए का इज़ एक्स, बी का बी है और ऑप्शन डी का वी आर हैविंग सी, यानी हर एक अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। सो बेटर अप्रोच क्या रहेगी, ये चीज़ें जो है ना एग्ज़ाम टाइम में एकदम से स्ट्राइक नहीं करती है माइंड में, ये तभी स्ट्राइक करेंगे जब आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे, तभी ये चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका, और उसके बाद आपकी चाहिए प्रैक्टिस। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन, के क्यू और डब्ल्यू। इसमें हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न फॉलोअप हो रहा है, बस इसी चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करके आपका आंसर क्लिक करना है। दिस आई हैव गिवन यू वन हिंट, ए बी और सी में आप अगर चेक कर लो सेकेंड अल्फ़ाबेट, देन यू विल गेट योर आंसर। आई नीड दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल इस आंसर का भी डिस्कशन होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ व्हाट डू वी हैव,
K6V, पहले बात तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखते हैं, क्या उसकी हेल्प से हमारा कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है या नहीं. 6, 12, 18, बेसिकली दिस इज टेबल ऑफ 6, 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, यानी नेक्स्ट आपका जो ब्लैंक है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू एक होनी चाहिए आपकी, मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, 24. क्या कोई ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो पा रहा है? येस, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता. सो नाउ नेक्स्ट योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, यू शुड हैव समथिंग जो अब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अल्फ़ाबेट्स आपके आंसर में आने वाले हैं. देखते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट ही हैं, सो दिस वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम. सो लेट्स चेक विद द सेम. के एम ओ एंड देन यू हैव अ ब्लैंक टू फाइंड आउट. इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, यू नीड टू ऑब्जर्व दैट. एक एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा गया है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा गया है, सो आपका नेक्स्ट रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है यहाँ पे क्यू. सो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से. टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, यहाँ पे फिर से जैसे ऑल्टरनेटिव सीरीज हम सॉल्व करते थे उस तरीके से सीरीज बन जाएगी, अल्फ़ाबेट्स की अलग से और न्यूमेरिक वैल्यूज़ की अलग से. न्यूमेरिक वैल्यू में अगर आप देखें तो क्वेश्चन मार्क कवर नहीं हो पा रहा, वो कवर हो रहा है कब, व्हेन यू फॉर्म अ सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ऑल्सो ऑप्शन में कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही नहीं, तो वाई टू कंसिडर दैट. अब आप अपना टास्क और भी ईजी कर सकते हैं, फिर से यू कैन ऑब्जर्व ए, ओके आई हैव मिस्ड वन टर्म इन इट, ए जेड बी वाई एंड सी. अगर आप देखें ए बी और सी फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट्स, जेड वाई और इसके नेक्स्ट क्या आएगा, बैकवर्ड अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी एक्स. आपका ऑप्शन ए जो है इससे करेक्ट हो गया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें. इसके अलावा जो आपके अब नेक्स्ट वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑफ रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो कि बहुत ही रीसेंट क्वेश्चंस में, रीसेंट एग्जाम्स में देखने को मिल रही है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर कोडिंग एज वेल एज कॉन्टिन्यूस अल्फ़ाबेट सीरीज़. थैंक यू.